सबसे पहला तो मंच पे बिराजुड़ा सब नेता ने बहुत बहुत आभार और समय बिराजुड़ा हमारा पिता तुमने बुजुर्गों ने माता ने बहुत बहुत आभार कि तो मान सम्मान करो ये तो बहुत बहुत आभार। और बड़ा भाई साहब कैलाश जी चौधरी आमना भाजपा का प्रत्याशी है। कई लोगों के मन में सवाल है हमारे ले रहे कि मैं किया आया हूँ कि कर आया हूँ। तो सबसे पहला भाषणवादी तो तेरे बड़ा नेता है कैलाश जी है बाद में भाषण दे स्वरूप जी भाई साहब है सगला है। तो आमने कही है पार्टी आपने उपदेश दी हुई तेने बाड़मेर जाना है तो मैं चली वास्ते सब पहला तो बाड़मेर आया हूँ। सब पहला बात तो आ है। और दूसरी बात कि बिहार में मारो बहुत पुराना रिश्तो है पहला भी मैं आया और दोबारा मैं दोबारा आया हूँ। तेने याद है या कोनी या भूल गया हाथ पे कर बताओ याद है या कोनी आवाज आ गुंडरी रही कहीं याद है या कोनी। तो अब की बार भाई कैलाश जी ने वोट देना है सब पहला तेरा देखो मोदी जी को जो नारो है अब की बार 400 पार। तो हमारा मतलब वोट किसको दे हम जहाँ पे हमारी गिनती हो। दूसरी बात यहाँ से कोई जैसे बहन प्रभाजी ने बताया कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीते या कोई भी प्रत्याशी जीते उनकी गिनती नहीं होगी क्योंकि भाजपा की सरकार बनने वाली है डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो आप सभी लोगों को भाइयों को यह देखना यह तय करना है कि कैलाश जी को अपन वोट दें और अपने वोटों की गिनती हो। कभी भी अपना कोई भी काम हो तो ये कह तो सके कैलाश जी तो कैसे भी थे मैंने वोट दिया हो और तय कैलाश जी ने वोट ही बंदे हो तो आप की मुंडा चार कैलाश जी के काम करने वास्ते जावा। डबल इंजन की सरकार है भाजपा की सरकार है राजस्थान में और दिल्ली में तो तने वोट देने हैं। और बहुत बहुत आभार आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद भाई अशोक जी को द्वारा बिल्कुल संक्षिप्त में कह दिया मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार और सामने वाली पार्टी का नारा है अब की बार 40 पार। तो अपन समझ गए अशोक जी ने स्पष्ट कर दिया है युवाओं को कि जिसमें गिनती होगी जिसमें फैसले लिए जाएंगे उसी तरफ वोट जाएगा तो वोट की कीमत होगी। अब हमारे बीच जयपुर से बना रहे भाई उद्यमी राजेश जी मोहता से नया मिलेगा संक्षिप्त में अपनी बात रखिए एकदम संक्षिप्त में। नमस्ते आप सब लोगों के सामने मैं पहली बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया। मैं इस जिला से बिलोंग नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी आया हूँ सिर्फ इस चीज के लिए आया हूँ क्योंकि हमारा विश्वास है कि आज जो बीजेपी की सरकार है अगर ये अगले 5 साल और चलेगी तो देश बहुत तरक्की करेगा। दूसरा मैं इस चीज के लिए आया हूँ कैलाश जी भाई साहब मेरे भाई के जैसे हैं लेकिन मैंने इनके दिल में जो चीज देखी जब मैं यहाँ पे केन में काम करता था और जब MP थे नए नए मेरी मुलाकात हुई और सुबह 5:30 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक मैंने इन्हें निरंतर जनता की सेवा में देखा है और उस दिन से मेरे अंदर इनके लिए वो भावना आ गई है। मैंने कहा कि अगर हमारा नेता हो तो कैलाश चौधरी जी जैसा हो। सुबह से वो जनता के लिए एक 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 आदमी के बारे में सोचना उसके बारे में बात करना और उसके लिए सॉल्यूशन देना। मैं इनके दिल्ली के आवास में जब जाता था तो लोग वहां पे बैठे होते थे मैं कहता था सर आपकी तबीयत खराब है आपको कोविड हो गया 3 बार तो मेरे ख्याल से कोविड हो गया और हम कहते थे आप ध्यान रखो अपना ध्यान रखो अगर आपको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। ये बोले मेरे को जनता की सेवा करनी है कोविड वगैरह तो आते जाते रहेंगे लेकिन ये मेरे पास में टाइम है या कम है मेरे को बहुत काम करना है मुझे काम करने दो। ये सारी बातें जब मैंने इनसे सुनी है तो मैं दिल से प्रभावित हुआ है। इसके लिए मैं 15 दिन का छुट्टी लेकर सिर्फ इनके साथ में काम करने के लिए आया हूँ ताकि कि भारत में बीजेपी की सरकार बने और हमारे कैलाश चौधरी जी जैसे नेता हमारी पार्लियामेंट की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद धन्यवाद युवा अभी राजेश जी मोहता आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं कैंट में काम करता था और भाई साहब की कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर के भाई साहब के लिए आया बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए भाई चंद्र प्रकाश जी जानी मंच पर विराजमान आदरणीय बड़े भाई कैलाश जी चौधरी साहब भाजपा प्रत्याशी जो हमारे बीच में आए हैं इनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपने एक बात कहनी कहूंगा आज जो 3-4 महीने पहले आपने सुना हुआ आप सुनाओ में हद या मार हगरो जी मार हम अलग अलग स्वरूप सिंह जी अपने पश्चात शिव खड़ा उड़ा भाजपा आप वोट घने जने को दिना नहीं दिना भी वेला पर वोट नहीं देते हुए भाई शिव गुमो अपने 22 हेडपंप आया 20 स्वरूप सिंह लेने या 2 हम लेने जगह 80,000 वोट दिन ये वास्ते आप निवेदन है कि सरकार के हाथ रहो तो आप 20 साल इन 22 साल गिनती बोला कौन
नितोड़िया घंटी हमेशा आगे वाला और 5 साल ऊपर होने से सरकार पूरी भाजपा की है। तो आप सब निवेदन है कि भाजपा ने वोट देने और विजय बनानी है। कला जी ने हम कहा भाई दिल्ली है तू भेजो, तो मोदी जी कहें क्या कि भाई अपने जो बाढ़ में रहे जो फर्स्ट है तो फर्स्ट फर्स्ट अपने के अंदर आई क्या भाई कला जी ने वोट दे दे तो विजय बना भेजो। तो मेहरबानी कारण पहले यू तो कहे भाई निर्दलीय कोई धनी दूर कोई नहीं और हमें अपना धनी है खो हो तो भाई थारी इच्छा है, बाकी लाज रागनी अपने हेमा हाथ में मेहरबानी कारण लाज रागियो। आप निवेदन है कि भाजपा ने वोट दे और विजय बनाई। जय हिंद जय भारत। बहुत गहरी बात की है भाई चंद्र प्रकाश जानी ने, क्योंकि मेरा और इनका और काफी निर्दलीय की छाप से ये जीते थे और आज अपने पार्टी में आए, तो निर्दलीय का एक्सपीरियंस चंद्र प्रकाश जानी को बहुत ज्यादा है। प्रधान है लेकिन निर्दलीय थे, आज अपनी पार्टी में आया था, आज सब कुछ है। इसी कड़ी में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और 2023 के प्रत्याशी भाई स्वरूप सिंह जी खाड़ा गिरधर सिंह जी से निवेदन रहेगा संक्षिप्त से। अरे बाकी तारे बोले आप कैला जी आ गया था गिरधर सिंह जी कोटड़ा। धन्यवाद। मैं तो भी एट राइज हूँ राइज बाही हूँ नाम नहीं लियो तो इजाजत को नहीं है, पक्की बात है। पर नाम लियो रो ये वास्ते पे भियाड़ मंडल रहा या भियाड़ रहा आर पार जितने ही पंचायत तरह पे बंद खाएड़ा हो वो हंगारी तरफ हो ये मंच बात है मतासी नतीजे और स्वागत करो अभिनंदन करो का आप अटे पधारे और आप अटे समय दियो। अब एक बात बोले ये पधारा है तो ये आपको गुड वोट मांगना आया है, मारो तो एक ही लाइन में कहना है कि पिछमो बाइक में खोवे बंदा दिना दिराई हुई हो ये वास्ते एक ही जगह देश रे विकास रे वास्ते देश रे सम्मान रे वास्ते और देश रे भविष्य रे वास्ते लाडले बात है ये मई है तीनों आखरों रे मई है देश का सम्मान देश का विकास और देश का भविष्य अगर आपको निश्चित करना है तो वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट तो देना है कमल रे फूल वास्ते देना है। यह बात 26 तारीख में अपना याद रखनी है 26 तारीख रे दिन कमल रो फूल बात है वोट दे देश रे विकास देश रो सम्मान और देश रो भविष्य सुनिश्चित करे और अपने देश का आगे बढ़ावला ये बात रे वो है मनसासी नदी के ना गारंटी दे अभी बिल्कुल दोनों हाथ खड़ा करे ना आप एक बार जयकार बोलो इतो इस बार कहना है। धन्यवाद जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरधर सिंह जी। इसी कड़ी में संक्षिप्त में दो शब्द हैं मनीषा जी मेघवाल जिला परिषद सदस्य आपके क्षेत्र में है हम और कैलाश जी। मनीषा जी मेघवाल भारत माता की भारत माता की। आज बिहार मंडल में आप सभी का स्वागत और सम्मानित मन सभी पधारे हुए क्षेत्रवासियों और पिता तुल्य बुजुर्गों और सभी युवा साथियों आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने कैलाश जी को वोट देकर विजय बनाना है और कमल का फूल खिलाना है और मोदी जी का हाथ मजबूत करना है। इसलिए केंद्र में भी मोदी सरकार आ रही है तो राजस्थान में भी सरकार बन गई है और केंद्र में भी बनेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री अपने मोदी जी को बनाना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। अब मेरा आग्रह रहेगा स्वरूप सिंह जी खारा साहब स्वरूप सिंह जी खारा भारत माता की जवानगढ़ जय हो बोलो भारत माता की भारत माता की। आज बिहार गांव में इस विशाल जनसभा में सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कल बाढ़ में आए थे, हजारों की उत्साही कार्यकर्ताओं की भीड़ में बड़ा उत्साहजनक भाषण उन्होंने दिया। बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के विकास के बहुत सारे बिंदु भी कहे परंतु एक उन्होंने जो मंच पर बात कही वो मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा कान खोल करके सुन लें। उन्होंने दो बातें कही,
पहली बात तो उन्होंने वो जिस किसी चुनावी मंच पर जाते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उस सामान्यतः प्रत्याशी का नाम नहीं लेते। यहां कैलाशजी चौधरी का बड़े उत्साह के साथ में नाम लिया है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। आप कल्पना कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े लाड के साथ अगर नाम लेते हैं तो जीतने के बाद में किस स्थिति में होंगे, ये आप कल्पना कीजिए। इसलिए सबसे पहले तो एक इस लाइन में आपको भला पड़े। एक और बात कही, क्योंकि बाजार में बहुत सारे भ्रम चलते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग रियल लाइफ भूल गए हैं और रीलों के चक्कर में आ गए हैं। तो रीलों वालों को उन्होंने कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि बाड़मेर जैसलमेर और लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की जिम्मेदारी केवल कैलाशजी चौधरी को दी है। ये दो बातें महत्वपूर्ण है, दो बातों पर हमें बहुत गंभीरता से अमल करना चाहिए। सजना, पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने देश में जिस प्रकार से सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के माध्यम से संपूर्ण देश का उत्थान किया, युवाओं किसानों गरीबों महिलाओं के लिए एक अनुकरणीय कार्य किए और उत्थान का जो काम किया, ऐसा इतिहास में पहली बार भारत के स्वतंत्र इतिहास में 75 साल हो गए, आजादी का अमृत काल चल रहा है, इस प्रकार के पहले काम हुए। राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, ट्रिपल तलाक का कानून खत्म हो गया और CAA कानून बन गया, और आर्थिक सामरिक रूप से आज भारत स्वावलंबी आत्मनिर्भर हो रहा है। आजादी के अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक भारत विकसित होगा। यह विकसित भारत की संकल्पना संपूर्ण भारतवासियों के सहयोग से संपन्न होने वाली, इसलिए हम सबको उसमें कदम से कदम बढ़ा करके सहयोग देना है। राजस्थान की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र जारी किया था, उन संकल्प पत्रों में बहुत सारे काम इस 90 दिनों के कार्यकाल में माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी ने करके बताए आप लोगों को। सजना, ये जो जवान खड़े हैं, इनके जवानों के भविष्य के लिए बहुत अनुकरणीय कार्य किया है कि रात दिन पढ़ करके 6 महीना साल पढ़ करके एक युवक या युवती सुबह जब अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए परीक्षा केंद्र पर जा रहे होते हैं, उससे पहले समाचार आता है पेपर लीक हो गया आपका। आप कल्पना कीजिए कि उससे ज्यादा कोई अत्याचार हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, चाहे वो ट्रेनिंग में है चाहे वो ड्यूटी पर लगे। वो छोटा काम है क्या बड़ा काम है आपको पूछना चाहता हूं। युवा, ये हिम्मत वाला काम है, कम काम नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे काम हो रहे हैं और काम होंगे भी। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। सजना, यहां पर बहुत सारे सांसद भाजपा के भी आए, कांग्रेस के भी आए, कई बार बातें चलती है, विरोधी विपक्ष वाले बातें फैलाते हैं, बट कैलाश जी 5 सालों में कियो नो गिरणो करे बैठा बैठा हूं थोड़ा हेंगो ना कहो। मैं आपको कह देना चाहता हूं, भारत का भौगोलिक रूप से नंबर 2 का ये लोकसभा क्षेत्र है और कैलाश जी केंद्रीय मंत्री है। एक सांसद भी अपने लोकसभा क्षेत्र में ठीक से प्रवास नहीं कर पाता। कई बार मैंने देखा, हम साथ में होते हैं तो सुबह ही बिहार गए हैं वहां बैठक लिए, शाम को उन्होंने कश्मीर में लिए और रात को ये जैसलमेर में आए, सुबह को या शिव में लिए या पाटाड़ू में बैठे, ऐसे बैठ के कई बार लिए। तो ये प्रवास छोटा है क्या, मैं आपको पूछना चाहता हूं। कभी तनोट प्रवास किया तो उसी दिन आकर के गडरा किया है दोपहर को, तो शाम को जाकर के मोकर से किया है। ये लोकसभा क्षेत्र छोटा नहीं है सजना, इसलिए इतना प्रवास कोई कर नहीं सकता। कोरोना काल में मौत के भय से सब अपने अपने घरों में दुबक गए थे, केवल खिड़कियां देख करके दुनिया का नजारा देख रहे थे। हॉस्पिटलों से लाश पे लाश पे लाश निकल रही थी, एम्बुलेंसों से इन लाशों ने लोगों को भयावह कर दिया था। कई वहां जो भर्ती होने वाले लोग हैं जो ठीक होने की स्थिति में थे, लेकिन लाशें देख करके कई लोग खत्म हो गए। हमारे कार्यकर्ता था मंडल अध्यक्ष दशरथ जी गंगा लगा, वो भी बेचारा वो लाशें देख देख करके घबरा करके और उनका निधन हो गया। उस कोरोना काल में 3 बार संक्रमित होने के बावजूद पूरे लोकसभा क्षेत्र में पीएससी सेंटर का कह रहा हूं मैं, सीएससी नहीं पीएससी, वहां जाकर के खुद की गाड़ी 2-3 दूसरी गाड़ियां पीछे भरी हुई रहती थी कंसंट्रेट और ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से, हजारों लोगों के जीवन बचाए। ये छोटा काम नहीं है सजनों का, देना चाहता हूं। कम से कम 150 लोगों का तो मैंने फोन करके ऐसे एम्स में
दाखिला दिलाया और वहाँ एम्स में दाखिला होने के कारण उनका जीवन बचा है। यहाँ शिव विधानसभा में कई लोग हैं, यहाँ ज्यादा बड़ी सभा में उनके नाम नहीं लेना चाहता। शिव में मैंने एक बंधु का नाम भी लिया था, विकास कार्यकर्ता बैठे हैं, मैंने नाम लिया था, वृद्ध मंत्री वकील साहब बैठे हैं, एक बड़ा भामा साहब हमारा, उनका जीवन संकट में था। संयोग से हम और केला जी साथ थे, हम रामसर गडरा इधर जा रहे थे, मोहित लाल जी अध्यापक के गुंगा के, उनका मेरे पास फोन आया कि फलाना आदमी का जीवन संकट में है, कैसे करके एम्स में अगर बेड मिलता हो तो। तुरंत मैंने केला जी को कहा, मैंने कहा भाई साहब ये स्थिति है, इन्होंने फोन लगाया, चार पांच फोन लगाना पड़े, क्योंकि उस समय एम्स में भी बड़ी भीड़ लगी हुई होती थी, सैकड़ों लोग से एम्स से भी निकलती थी। उस स्थिति में भी इन्होंने परिश्रम करके वो बेड दिलाया। वो आज व्यक्ति यहाँ गुंगा में बड़े समाज सेवी और भामाशाह के रूप में हम सबको गौरवान्वित करता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। सजना पीढ़ियों तक हमने बाजरा खाया, बाजरा की वैल्यू कहीं नहीं थी, केवल हम बाड़मेर जैसलमेर के लोग अभावग्रस्त क्षेत्र में हमने कई पीढ़ियां खपा दी, लेकिन बाजरे का महत्व तो कहीं नहीं था। केंद्रीय मंत्री केला जी चौधरी बने, इन्होंने प्रयास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को इन्होंने, उनको और सभी सांसदों और सभी मंत्रियों को एक बड़ा भोज दिया। उस भोज में यहाँ घोड़ा मालानी से लोग गए, बाजरी की रोटी, केर और कुंतिया की सब्जी, ऐसा खिचड़ा वो भोजन बनाने के बाद में स्वास्थ्य के विषय को लेकर के माननीय मोदी जी ने मिलेट्स ईयर यह घोषित किया। मिलेट्स ईयर का मतलब है अन्न, श्री अन्न, बाजरा, मूंग, मोठ, ये सारा जो अनाज है ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक, ऐसा मिलेट्स ईयर घोषित कर दिया सर। ये कोई छोटा उदाहरण है क्या? आज बाजरा के भाव बढ़ गए, बीमा क्लेम राशि किसानों की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ऐसे सेटिंग कर से कंपनियों करके वो हमारा अट गया वो बीमा क्लेम राशि। केला जी ने कंपनियों को बुला करके और दिल्ली में फटकार दिलाई और 550 करोड़ की बीमा राशि स्वीकृत हुई, सभी किसानों को मिली। छोटा उदाहरण नहीं है। उत्तरलाई का एयरपोर्ट नहीं बन रहा था जब राजस्थान की या कांग्रेस की सरकार, बहुत प्रयास की, 3 बार मैं खुद गया था उत्तरलाई, वहां एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी आए थे, दिल्ली शहर जयपुर से आए थे, नहीं मांग रहे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, उन्होंने जमीन नहीं दी। भाजपा की सरकार राजस्थान में जैसे बनी, चूंकि केला जी का संकल्प था, प्राथमिकता थी, तो स्वीकृत हो गया और कुछ महीने बाद में आप और हम दिल्ली मुंबई जहां जाना है हवाई जहाज से जा सकते हैं और ट्रेन के किराए से जा सकते हैं। छोटा उदाहरण नहीं, ऐसे बहुत सारे काम है। इसलिए दिल्ली के इनके आवास पर कोई भी गया है तो उन्होंने बड़े प्यार से उनको भोजन करवाना, रुकाना करना, ऐसे कोई नहीं करता। दिल्ली में एक रात रुकते हैं ना, 5,000-10,000 रुपए आता है खर्चा। इसलिए ऐसे बहुत सारे काम किए, इसलिए हमें निश्चित रूप से केला जी के बारे में सकारात्मक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहिए, नहीं तो पछताओगे। अभी बहन प्रभा जी ने कहा कि वोट खखल मोदी उड़ा कहीं काम नहीं आया, भाई उससे पहले और भी विषय आया, अपने रोडा चाहिए, पाइपलाइन चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, हेडपंप चाहिए, कौन चाहिए? तो केला जी बढ़िया से देला कि बीजेपी को बढ़िया से देला? तो इनको मंत्री बनाने, मंत्री बनाएंगे निश्चित रूप से ही, कल माननीय मोदी जी के स्नेह से और उनके वाक्य से निश्चित हो गया कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, तो अपने लिए बड़ा बंगला होगा, उससे भी डबल बंगला होगा। इन्होंने कहा एक दो एक रसोईदार बिठा दूंगा और 10 से 15 केवल बाढ़ में जश्न वालों के लिए मैं एक निर्धारित कर लूंगा, आप आराम से जाकर के दिल्ली रहिए। डबल इंजन की सरकार बन गई है, जब कांग्रेस की यहां सरकार थी राजस्थान में तब भी हमारे काम कराते थे, केंद्रीय बहुत प्रकार के जो होते थे काम उस हिसाब से, अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं उनके फोन कराने की जरूरत नहीं। अगर ये सांसद बन गए, मंत्री बन गए, न पर कार्यालय में जाकर के केला जी मैंने भेजा है तो खूब है। इसलिए मेरा निवेदन है 5 साल में एक बार प्रत्येक मतदाता को मत का अधिकार होता है, इसलिए मत हमारा ठीक से जाना चाहिए। भारत में रहने वाले भारतीयों को भारतीय होने का एहसास अभी हुआ 10 वर्षों में, हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी होने का एहसास अभी हुआ, इसलिए हम ठीक से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अनुभूति अपने अंदर करते हुए और पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बनने वाले हैं तीसरी बार, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु 400 पार का जो आंकड़ा है उसमें बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के लोकसभा सीट से माननीय कैलाश जी चौधरी चुन करके ऐतिहासिक मतों से चुन करके जहां ये संकल्प हमें आज लेना है, तो आप लोगों को बात जरूरी है, तो जोरदार नारा बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भजनला सेवा जिंदाबाद, 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 केला चौधरी जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की।
वंदे मातरम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वरूप सिंह जी, आपने भाई साहब की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताई उसमें एक चीज आप और भूल गए, शुरू में कहनी विद्यालय भाई साहब ने खुलवा दिया है, 15 मई से विधिवत एडमिशन शुरू हो रहा है, उसमें मैं बिल्कुल टच में था, बहुत बड़ी उपलब्धि है, केवी बंदा बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने ही बच्चे चाहे फौजी के हैं चाहे केंद्रीय कर्मचारी के हैं, इनका भी कोटा होगा और अपने एडमिशन होंगे केंद्रीय विद्यालय 500 सीटों का भाई साहब ने स्वीकृत करा दिया है, कोट में रोड पे कॉलेज के अंदर कैंपस शुरू हो गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक माजरा अनुसंधान केंद्र है वो भी अपने गुलाम आलम ने खुला, वो सिर्फ बेंगलोर में हुआ करता था, साउथ में अपन पहुंच भी नहीं सकते थे, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय कुमार सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? एक बात कहनी चाहता तो मैं एक प्रत्यक्षदर्शी एक दो कौमों हूं, हाँ मैं मारे आंखी में देखिया हूं और पाचा वो कौम सुनिया जल्दी थाने कहने वास्ते हूं खड़ो हूं तारे पंतर के तो कौम री अगर परीक्षा हुए ना तो थाने एक उदाहरण दिया कि कल्याणपुर प्रधान है सम्मानीय उमेर सिंह जी आराबा, उमेर सिंह जी आराबा रे आज 4 साल पहले लीवर मिस्टेक हो गई, उधर संपूर्ण इलाज होगा केला चौधरी कराए हूं आपकी देखना हो तो दिल्ली एम्स में भर्ती रहा, कोई दाद में पढ़िया कह के केला तुम्हारे फोन नहीं उठा लिए बताओ मैं काम कौन कर करा इसलिए बताओ, तो भाई ना काम कराने में दिए आदमी कोई कमी को रखी नहीं, तो हिम्मत 20 घंटा दौड़ने ना था बीच में बैठो निर्णय थाना करना है मेहरबानी करे हाउ करे। धन्यवाद कुमार सिंह जी। अब मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय कैलाश जी चौधरी युवा सांसद प्रत्याशी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा, आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें आदरणीय कैलाश जी चौधरी। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। ऐसा की बात जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसमें भारत माता की जय बोली जाती है, आपको पता है अशोक जी कांग्रेस के वहां पे मना है भारत माता की जय बोलना, अगर भारत माता की जय बुलाते तो उसको पार्टी से निकाल देते हैं और टिकट तो पहले ही कट जाए, हाँ तो इसलिए थोड़ा जोकर जयकार जोरदार हो जाए, बोले भारत माता की बात। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हमारे लोकसभा के संयोजक आदरणीय कुमार सिंह जी सोटा साहब और हमारे बीच में हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष और यहाँ के प्रत्याशी रहे आदरणीय हमारे स्वरूप सिंह जी खारा साहब और जिन्होंने राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी और जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ऐसे हमारे अशोक जी बिश्नोई जी और साथ ही मंच पर विराजमान है हमारे बीच में यहाँ पर सभी मंच पर बैठे अतिथिगण पवन कुमार सिंह जी हमारे यहाँ पे विराजमान है जैसलमेर से हमारे बीच में आए हैं और राजेश जी हैं हमारे बीच में जो दिल्ली से आए हैं और चंदू जी हमारे प्रधान के पति हैं प्रधान प्रतिनिधि हाँ भाई प्रतिनिधि और साथ ही यहाँ पर बैठे हमारे सभी उपस्थित यहाँ पर बैठे कान सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनका मार्गदर्शन हमें सब हमेशा मिलता है और त्रिलोक जी हैं बहन परभा जी हैं जो हमारे को अभी अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस को छोड़कर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, मनीषा जी है राजेंद्र सिंह जी बिहार है और सभी मंच पर बैठे पूरी और पीछे सब बैठे अतिथिगण और सामने बैठे सभी सज्जनों
सभी उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी मेरे युवा साथियों, आज ये चुनावी सभा है और निश्चित रूप से हम यहाँ पर एक निर्णय करने के लिए यहाँ आए हैं। और निर्णय आप सब हम जानते हैं कि किसके पक्ष में करना है, क्योंकि वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है उसमें हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश है जो एक तरह से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए खड़ा है। और ये इसलिए नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उनको अपने परिवार का सदस्य मान लिया और मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार का सदस्य मान लिया। इसलिए इस चुनाव के अंदर दूसरी पार्टी के लोग जो सोच रहे हैं वो कभी उनका सपना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के दिल में जगह बनाई है और वो ऐसे ही नहीं बनाई, उन्होंने काम करके बनाई है। उन्होंने गरीबों के कल्याण के काम किए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, चाहे हमारी सड़कें हो, चाहे हमारे रेलवे के काम हो, या इसके अतिरिक्त जितने प्रकार के काम हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का हो, या कृषि के अंदर काम किए हो, युवाओं के लिए जो काम किए हो, महिलाओं के लिए जो काम किए हैं और इसी के साथ में गरीबों के लिए जो काम किए हैं, और ये काम देखकर निश्चित रूप से हम सब देख रहे हैं कि काम कितने प्रकार के यहां पर हुए हैं। और आज के दिन जनता यही चाहती है कि काम कौन करने वाला है। अगर ये काम कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने 60 साल यूपीए की सरकार ने राज किया, अगर उन्होंने ये जो मोदी जी ने काम करवाया ना, वो काम अगर उन लोगों ने करवा दिए होते तो आज सिर्फ मेटाडोर में बैठे जितनी संख्या के नहीं रह जाते, सिर्फ 44 सांसद रह गए, क्योंकि वो उनके कर्मों से गए। उन्होंने गरीब को गरीब रखने की योजना बनाई, अनपढ़ को अनपढ़ रखने जैसी योजना बनाई, 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना, और ऐसी योजना बनाई ताकि हमारे को समझे नहीं, जिस दिन हमारी नीतियों को समझ जाएंगे उस दिन हमें छोड़ देंगे। और वह वास्तविकता हुई जब जनता समझ गई कि अब कोई देश का भला कर सकता है तो सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है, सदी का महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, और उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम बिना हाथ में लिया। और अभी तो शुरुआत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 सालों के अंदर जो मोदी जी ने काम करवाए और मैं पिछले 5 साल में जो काम हुए वो तो सिर्फ उन्होंने वो किया था कि उसके अंदर तो सिर्फ रांग भरने का काम हुआ था, गड्ढे भरने का काम हुआ था पिछला, जो इन लोगों ने गड्ढे खोद रखे थे 60 साल से। अपन कोई भवन बनाते हैं तो अगर कहीं पर गड्ढे होते हैं तो पहले उसको समतल करते हैं, तो पिछले कार्यकाल में तो मोदी जी ने गड्ढे भर के और समतल किया था। जिस तरह से ये अकाउंट खोलना, जो भ्रष्टाचार होता था, लीकेज होता था, ऐसे कामों को किस प्रकार से करेगी एक समतल हो जाए, भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया, वो सारा किया समतलीकरण का। इन 5 सालों में रांग भरने का काम हुआ है विकसित भारत की और विश्व गुरु बनाने की, इन 5 सालों में रांग भरने का काम हो गया है। और अब अगले 5 साल में आप देखना भारत विश्व गुरु की और विकसित भारत की जो कल्पना की जो हमारी मीनार है, उस मीनार को यानी उस भवन को बनाने का काम करेंगे मोदी। इसलिए हमारे सभी यहां पर बैठे इनके विचार निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि देश के लिए प्राथमिकता के होने चाहिए। हमारे लिए जो ये दूसरे जो लोग हैं वो उनके विचार उनकी अपनी जगह होते हैं, लेकिन देश हमारे लिए सबसे पहले होता है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के साथ में हमारा राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए, राजस्थान के साथ में बाड़मेर जैसलमेर भी कैसे आगे बढ़े, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 5 साल हमारे खराब हो गए। अगर राजस्थान में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश जैसे हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ता। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग जाते थे तो भय से डरते थे और वहां इतनी सड़कों पे गड्ढे होते थे कि अगर हमारी यहां ट्रकें जाती थी, उन ट्रकों के ड्राइवरों को पूछो कि कानदाई लगाते थे वो वहां पर, आगे पुलिस चलती थी, पीछे 10-20 गाड़ियां निकालते थे और उसके साथ ही गड्ढों में सड़कें गड्ढे में पता नहीं चलता था, इतने गड्ढे होते थे।
और आज वही उत्तर प्रदेश है जहां योगी जी ने सरकार को संभाल रखा और वो वहां पर विकास हो रहा है। ऐसा ही गुजरात के अंदर आप देखो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी वजह से उसका विकास कितना हुआ है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो सरकार थी यहां पर, उसने 5 साल हमारे खराब किए और उस 5 साल की वजह से नुकसान हमारे प्रदेश को हुआ, हमारे बाड़मेर जैसलमेर को भी हुआ। मैं आपको ईमानदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि मैंने अशोक गहलोत को ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पड़ी है, कोई अगर देखना चाहे तो, कई मेरे युवा साथियों ने सुनी भी होगी। मैंने अशोक गहलोत को कहा था, अशोक जी बाजरा हमारे यहां पर सबसे ज्यादा पैदा होता है, बाजरा को MSP पर आप खरीद शुरू करो ताकि मेरे किसानों को अच्छी रेट मिले, 1200-1300 में बेचना पड़ रहा। और अशोक गहलोत ने उसके खरीद करने के लिए भारत सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी और उसकी वजह से किसानों की MSP पर, भारत सरकार ने तो कर रखा है MSP पर, खरीद सकते हैं, कोई राज्य अगर लिख के देगा तो खरीदेंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने नहीं लिखा, उसकी वजह से किसानों को बाजरा सस्ता बेचना पड़ा। और इसी प्रकार से बाजरा अनुसंधान केंद्र जो था उसकी जमीन दे दी इन्होंने, कई समय तक लटकाए रखा, नहीं तो आज तक हमारा अनुसंधान केंद्र शुरू हो जाता। लेकिन लास्ट में जमीन जिस तरीके से मैंने ली वो उनका कोई एहसान नहीं है, मैंने दूसरे रास्तों से जमीन निकलवाकर और वह जमीन दी और उसका टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। इसी प्रकार के उत्तरलाई के एयरपोर्ट की अभी बात की, अब जमीन भजनलाल जी की सरकार आई तब दी, नहीं तो ये लोग तो देने वाले नहीं थे, इन्होंने तो दी नहीं थी। मैं 4 साल से कह रहा हूं, अब तक तो एयरपोर्ट बनकर 2 साल पहले खड़ा हो जाता, हमारे प्रवासी भाई आने जाने वालों की सुविधा होती। लेकिन ऐसे कई काम, हमारे फसल बीमा का उदाहरण आपने देखा होगा, फसल बीमा के 2-5 रुपए किसी को दे दिए, किसी के खाते में 2 रुपए जा रहे, किसी के 10 रुपए जा रहे, ऐसे दे रहे थे। सिर्फ 60 करोड़ रुपए उन्होंने निकाले थे इस समय राजस्थान के अंदर फसल बीमा का। मैंने जब पता चला तो मैंने इनके अधिकारियों को डांट फटकार करके दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाकर कंपनी और अधिकारियों कहते मेरे बाड़मेर जैसलमेर के किसानों के साथ में अगर तुमने धोखा किया और ये पैसा अगर भ्रष्टाचार करके तुम खाना चाहते हो कंपनियों से, तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं, तुम्हें जिंदा निकल जाऊंगा, ध्यान रखना। और उसके बाद में बात बिठाकर उनका पूरा दोबारा पूरी चेकिंग की, सारी गिरदावरियां पूरी निकलवाई और उसके बाद में पूरी जो पुरानी थी सैटेलाइट से मंगवाया, मैंने कहा पूरे सैटेलाइट से पुराना सारा निकलवाओ, और पूरा 3 महीने 4-5 महीने 1 साल पुरानी जो गिरदावरी थी उसको सैटेलाइट से निकलवाया। मैंने कहा ये ओरिजिनल है, तुम लोग क्या लिख के दे रहे हो किसानों को, साथ धोखा कर रहे हो। और उसके बाद में आपके जो 65 करोड़ रुपए के अंदर जो 2-5-20 रुपए देके भेज रहे थे उसकी जगह पर आपको 550 करोड़ रुपए मैंने यहाँ पर किसानों को फसल बीमा के दिलवा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब राज्य में सरकार नहीं होती है तब परिस्थितियां अलग होती है। और इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आप सबसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान का विकास होगा भजनलाल जी के नेतृत्व के अंदर, और अच्छा विकास होगा। भजनलाल जी ने कहा कि विकसित राजस्थान हम बनाएंगे। और आपको एक बात और जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारे काम करते करते अभी जिक्र किया कि कोरोना के अंदर हम कहां थे, क्या कर रहे थे, ये चीजें किसी को हो सकता है कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी लिख देते हैं, वायरल करते हैं। अभी कल प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कश्मीर का नकाश्मीर का नाम ले लिया, लिया था नहीं लिया था कश्मीर रामदेव जी के जन्म स्थली का, लेकिन विपक्ष के लोग उसको भी पचा नहीं पा रहे। वो कश्मीर को भी उन्होंने किस तरह से उल्टा बता रहे सोशल मीडिया के ऊपर कि मोदी जी ने कश्मीर में जन्मे उनका नाम लिया, रहे कश्मीर तुम्हें पता है कश्मीर हमारे यहां पर बाड़मेर जैसलमेर में रामदेव जी का जन्म स्थान है वो इस कश्मीर में है, लेकिन उसमें भी भ्रामक पैदा कर रहे। ऐसे ही ऐसे मेरे बारे में पिछले 4 महीने से लगे हुए, पिछले 4 महीने ज्यादा नहीं उनको हुए, विधानसभा के चुनाव के बाद में इन्होंने शुरू किया एक नैरेटिव, एक माहौल बनाना, और उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि कैलाश जी के करे, वही कहना कि कैलाश जी के करे। मैं वो आपसे कहना चाहूं, आप मैंने एक चीज बताओ कि आपके किसान सम्मान निधि का पहिया हर 4 महीने में 2000 रुपया आवे को आवे नहीं आवे को आवे होने को ना जोर को ना आवे,
अब वे खजा मंत्रालय वावे, कृषि मंत्रालय का मंत्री कौन है? मेरे साइन में पैया आवे, नरेंद्र मोदी जी बटन दबावे और जेब में पैया घात और पचके केला जी के करियो तो के करियो तो जेब वाला पैया देख लेगा नहीं। ये हो गया फेसबुक माते भले हुतो तो लिखे हम भी आजकल फेसबुक ने ट्विटर ना हो गया जगह करनो की कमरे के मौ खुद रोग हुतो तो टप लिखियो और भेजियो के जान बारे बाजार में बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि मोदी जी ने सस्ता कर दिया मोबाइल का डाटा। पहला तो एक फोन करता ना जो नहीं होती एक तक गुण पसा सेकंड हो गया हाँ तो अभी पहला पहला काट दो क्योंकि हम पहिया लागता एक मिनट होते ही पहिया लाग जाता। मोदी जी ठोक दिया सस्ता कर दिया हमें पड़े दिन हैं आओ जमीन बोलो और जमीन मोदी जी के खिलाफ। अब मुझे एक बात बताओ एक बताओ अब एक ओके खिला जी के करियो भड़के वो मोबाइल बैठो मैं एक कही है ना भाई है जगह प्रधानमंत्री आवास के वो कमरों मिलो ना मकान मिलो हर पंचायत में कम कितना मिला के थी 200 के थी 300 के थी 400 500 मकान एक एक पंचायत में आया अभी मकान के मैं हूतो लिखे केला जी के करियो तो ऊपर भीम देख लेकर निकल बड़े यार छत की गई छत बनाई सकी बिंदी है कौन ये हो गया सोचा लेके मोजान के हंग मारा हमारी जगह भाई है बेदारा वो फिर से तुम्हें डबल लेके जब फिर तुम्हें बेदारा मेडबल लेके कहना जी की करियो तो क्या कहते पार दी भीतर देख लेके निकल बनाई अब वो उसको दिखती नहीं है एक यो कर सोचा ले अपने आप देखे हो कर रसोई के मो पहला धीदल आ रहे मैं होता धीदल आ रहे में समझो ना अपने रसोई भी ही दाले आ रहे के मो बैठो रे मो तो जातो को क्योंकि लकड़ी रोटियों बनाता है धुओं तो पारे बैठो रहे तो हमें मोदी जी गैस का कनेक्शन दे दिया और मो हिदड़ आ रहे मो अपनी पत्नी है एक आपकी जगी माँ है एक बहन अभी के कने बैठो बैठो गर्मा गर्म फुलका जी में और जीम तो लिखे के ला जी की करियो तो गैस है सुनो देख ले पाड़े तो सुनो दिए कौन और ये होगा ये कोरोना के मो टीका लगाया था और टीका लगाने के बाद टीका लगाया जगह तो चलो लगा है में मोदी जी लगाया पर कई हमें राशन फ्री दे लार ने 3 साल मिले को मिले अब 3 साल राशन सामग्री फ्री और वो राशन लान में अपने घर आने के बड़ा हवाल बड़ा कहते बैठो जीम पेट में हवाल भरती हो दे और पेट में तो हाथ फेरते फेरते तो बिकार लेन के खेला जी की करे तो के करे तो धन मौके तो क्यों वो देख ले स्पीड गाड़ी चलाया हाईवे बन गया है नहीं बन भारत माला की हड़काव बनी एक्सप्रेस वे बढ़िया है जो हाईवे बढ़िया है और हाईवे बढ़िया शानदार 178 की स्पीड में पे और बेहतर बेहतर लिखे कहला जी की करियो तो हड़क देख ले हड़क बिंदी है कौन। तो कुल मिलान मेरा कहना है कि ए झूठा लोग और सोशल मीडिया के माते लिखनो मैंने आज बताओ इनको जवाब कौन देला आप दोला उन झूठे लोगों ने कह दे आप बताओ थे इनको जवाब तो ने अपने देनो 26 तारीख ने की ओ है असली कौन। अब मैंने एक बात बताओ एमएलए काम करे मुख्यमंत्री जी करावे जगह को जस एमएलए ले को लेनी भाई अगर कोई स्कूल बनाई तो एमएलए के साहब के मैं करायो जीएसएस करावे तो एमएलए के मैं करायो करे तो मुख्यमंत्री है ना। तो भाई मेरे नरेंद्र मोदी जी जगह काम करे अब तो मन जस मिलनो सी जे नहीं मिलनो सी जे बताओ वो सांसद को मोदी जी का काम जगह करोड़ों का मेरे खाते में आई आई कि नहीं आई और फिर भी के कैलाश जी के करे मोदी जी की तारीफ करे कैलाश जी के करे हो ए विपक्षी लोग ए कांग्रेस वाले भी कर मोदी जी कौन तो जोड़ करे कैंडिडेट के तो तू क्यों वोट मांगे बचे भाई मोदी जी नहीं देवर दे मैंने वोट दे ही रहा है मोदी जी ने तो मेरा ये कहना है कि अपने आने वाले समय में मैं तो देखो काम कराने के लिए हमेशा आपको बताऊं मैं आज राजनीति में नहीं आया हूं मैं कोई सोशल मीडिया की वजह से राजनीति में नहीं आया हूं ना सेवा की ना इतनी बार मैं विधायक बना हूं मेरे को इस जनता ने प्यार दिया इसीलिए मैं यहां पर राजनीति तक पहुंच रहा हूं और मैंने पसीना बहाया है खून बहाया है मेरा ऐसी राजनीति में नहीं आया हूं मैं जब स्कूल में पढ़ता था 11वीं में पढ़ता था उस समय मालोत्रा में कॉलेज खुलाने के लिए मैंने आंदोलन किया था जब सिर्फ 11वीं में पढ़ता था उस समय मैंने पुलिस के लट गए
मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। उसके बाद मजदूरों के लिए आंदोलन किए, किसानों के लिए आंदोलन किए, रेल के लिए आंदोलन किए, हर जगह स्टूडेंटों के लिए आंदोलन किए, करते करते जेलों में गया, लट खाए, काम कराए। इतने सालों तक मैंने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे से मैंने उनके काम किए। रात दिन कोई भी आता है तो उसको कभी मना नहीं करता हूं मैं। रात को चाहे 1 बजे भी आकर तो दरवाजा खटखटाता तो मैं उठता हूं। ऐसा नहीं है कि मंत्री है तो दरवाजा नहीं क्यों खोलू कैसे खोलू। ये जो दूसरे वाले लोग है ना, ये दूसरे वाले आपको गेट के हाथ नहीं लगाने देते और उसके आगे घर के आगे लिखा होता है कुत्तों से सावधान, कुत्ते से सावधान, ये कहते कि नहीं कहते उनके ऐसे। और यहाँ पे आपका भाई पिछले 25 साल से राजनीति के अंदर मैं सेवा कर रहा हूँ, 25 या 30 साल हो गए मुझे राजनीति में, कॉलेज स्कूल से शुरू की मैंने। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा दिल से काम किया, मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अभी सोशल मीडिया पे झूठ का सहारा लिया जाता है, फोटो की रैली मोदी जी की और ऊपर फोटो लगा देंगे खुद का। अरे मोदी जी की भीड़ को आप अपनी भीड़ दिखा रहे हो, मतलब सारी पार्टी जो विपक्ष वाले सब लगे हुए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जनता है ना वो जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है और जनता का आशीर्वाद मुझे पिछले 25-30-35 साल से मिल रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं काम में विश्वास रखता हूं। मैंने पिछले 5 साल के देखा होगा आपने काम किया है, ऐसे ऐसे काम जो आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपको पैम्फलेट भी दिया होगा, लगभग 900 से अधिक तो मैंने यहाँ पर आपके एयर जो हमारे टावर बनाए 350 के आसपास तो हमने यहाँ पर डाकघर खोले नहीं, और ऐसे ही हमारे लगभग कितने किलोमीटर तो हमने रोड़े बनाई है, प्रधानमंत्री सड़कें बनी है, मेडिकल कॉलेज बनाए, आज रिफाइनरी बन रही है, पूरी हो रही है लगभग, अभी 4-6 महीने में रिफाइनरी कंप्लीट हो जाएगी। ये भी मैं जब विधायक था उस समय मैंने भाई तू के अंदर उस समय विधायक था मैंने कहा मेरी रिफाइनरी होनी चाहिए वसुंधरा जी यहाँ पे आप करवाओ। और केंद्र सरकार में उस समय वो कांग्रेस के लोग तो झूठे बातें करते थे कि हम कराएंगे रिफाइनरी, हम करवा रहे रिफाइनरी, उन्होंने सिर्फ पत्थर रखा था। लेकिन असली काम जब मैं विधायक था उस समय मैंने बाईतू विधानसभा के अंदर सांबरा के अंदर रिफाइनरी की मोदी जी के हाथों से वहां पर नींव रखवाई थी और आज वो पूरी हो रही है। ये रिफाइनरी जा रही थी बाहर आगे जोधपुर से भी आगे, लेकिन मैंने कहा मेरी यही होनी चाहिए। अंदर की बातें कौन जानता है क्या करते हैं कैसे होता है। पानी आया आपके यहाँ पर जो मीठा पानी पी रहे हो कैसे आया आपको पता नहीं है। मीठा पानी जब आया था यहाँ पे तो मैंने उस समय अधिकारियों को किस तरह से क्या कैसे मुख्यमंत्री जी कह के पानी उस समय बाड़मेर का बालोतरा उधर पहुंचा भाई तुम्हें पहुंचा वो भी उन परिस्थितियों में लाए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने जब मैं विधायक था नहीं था उस समय मैंने घोषणा की थी, मैंने कहा था जब मैं भाईतू का विधायक बन जाऊंगा अगर आप मुझे बना दोगे, बड़ी सभा थी राजनाथ सिंह जी आए थे चुनाव चल रहे थे उस समय टिकट मिल चुकी थी, उस दौरान मैंने कहा आप अगर मुझे भाईतू से जीता कर भेज दोगे तो मैं आपके हर पंचायत में मीठा पानी पहुंचा दूंगा और नहीं पहुंचाया तो दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा, ये मैंने कहा था उस समय। और मैं जब दोबारा 5 साल तक विधायक रहने के बाद जनता के बीच में तभी गया जब मैंने मीठा पानी की हर पंचायत में पौधी बना दी और पानी पहुंचा दिया, उसके बाद ही मैंने दोबारा वोट मांगे थे। उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा, बीच में कोई टेंडर की प्रॉब्लम आई उसको लेकर अधिकारियों से जो चीज हुई वो मीडिया में छपी थी। और इसलिए मैं आज आपके सामने 2-3 चीजें कहकर जा रहा हूं। अभी मैं बॉम्बे गया था तो उस समय भी मैंने कहा था बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के यहाँ पर सूरत के अंदर कई मेरे भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि कैलाश जी आप यहाँ पे आए हो लेकिन हमारे बॉम्बे और बाड़मेर के अगर फैन शुरू करा दो तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मैंने जोश जोश के अंदर कहा मैं दोबारा जब आपके सामने आऊंगा सूरत के अंदर या बॉम्बे के अंदर तो आपके फैन शुरू करा के ही आऊंगा वरना आऊंगा भी नहीं। और वो फैन शुरू कर दी, शुरू हुई उसके बाद ही मैं वहां पे गया और अभी भी मैं कुछ फैनों की घोषणा करके आया हूं। और इसी प्रकार से मैं आपके सामने भी कहता हूं कि आपके किसी प्रत्येक घर के अंदर अगले आने वाले समय के अंदर प्रत्येक घर में अगर नल का जल यानी ड्यूटी नहीं लगा दी तो मैं दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। और इसके साथ ही जो नर्मदा का पानी है
उसको आपके इधर तक इंदिरा गांधी का नहर और नर्मदा नहर के पानी को दोनों को लाने का काम इसके अंदर सिंचाई के लिए भी अपन करके कराएंगे। ये भी नर्मदा और इंदिरा गांधी के नहर का पानी यहाँ पे लाना। और उसके साथ ही मैं आपको और दो तीन चीज कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर जो लाइट की समस्या है, रजल्ला जी ने जिस प्रकार की रचना बनाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने तो पूरा सत्यानाश करके गए ये लोग, इन्होंने जिस तरह से न तो उन्होंने जीएसएस बनाए थे, ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे कि वो कनेक्शन के ऊपर कनेक्शन की बात तो करते गए, लेकिन वास्तविकता में जब लाइट ही नहीं है तो आप कनेक्शन किस बात के कर रहे हो। लाइट का ना तो उन्होंने जीएसएस बनाए, ना उनको किसानों को कोई सुविधाएं दी, और सिर्फ किसानों को कहते रहे हम किसानों के ये करेंगे वो करेंगे, और ये कहते रहे हम आपको 100 रुपए सस्ता कर देंगे। वो सस्ता तो उसकी एक सीमा बता दी थी कि इतने से ज्यादा अगर यूनिट कम खर्च करोगे तो हम आपका माफ करेंगे। अब हर व्यक्ति का इतना यूनिट तो खर्च हो ही जाता तो क्या माफ होना, और फिर भी कर नहीं था तो 2-3-4-10-50-100 जीएसएस लगाते उससे ताकि उनको लाइट मिले। किसान को लाइट चाहिए भाई साहब, उनके 2 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन लाइट देना जरूरी है, वो चीज होनी चाहिए। इन लोगों ने सत्यानाश करके गए, लेकिन मैं आज आपके सामने कह के जा रहा हूं कि आपके 220 का जीएसएस है वो आपके बहुत जल्दी शिव के अंदर खड़ा होगा, और आपको मैं आज यहां पर वादा करके जा रहा हूं। और एक मिनट, और 132 का जीएसएस वो आपके यहां पर निश्चित रूप से होगा आने वाले समय के अंदर। और जो 6 जीएसएस की और बात की है वो जीएसएस भी आपके बहुत जल्दी यहाँ पर स्वीकृत होंगे और उसका काम शुरू करवाएंगे, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। और 6 नहीं और आवश्यकता भी और बता देंगे, कोई 6 का जरूरी नहीं है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें अगले आने वाले 3 साल के अंदर लाइट की इतनी पर्याप्त व्यवस्था कर देनी है कि किसान के लिए दिन में वो लाइट उनकी चलती रहे, यानी कि गुजरात में किस तरह से चल रही है 24 घंटे, वैसे ही राजस्थान के अंदर भी किसानों के लिए जो सुबह 10 बजे से लेके सुबह लगभग 8 बजे से लेकर और रात को 7-8 बजे तक कंटिन्यू लाइट मिले, ताकि रात को भी उसको किसान को पाड़त या परेशान ना होना पड़े, जो काम करना है दिन में करना है, ऐसी व्यवस्था आपके की जाएगी। व्यवस्था बिगाड़ के गए वो सुधारने का काम हम करेंगे। बस मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, अब ये काम वो बाहर की सरकार तो बन गई, लेकिन अब बन गई निश्चित रूप से बात है, आपको अभी सभी 400 प्लस की बात कर रहे हैं, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब आप मुझे बताओ, जब डबल इंजन की सरकार बन रही है तो उसके बाद में जब सरकार डबल इंजन की होगी, दोनों जगह सरकार भाजपा की है, तो काम कौन करेगा? भाजपा करेगी, दूसरी पार्टियां करेगी, या कोई और करवाएगा? तो फिर जो पहले इन भाइयों ने बात की, मुझे आप इन सब से कहना है कि हमें काम पसंद है, हमें काम कराने में विश्वास रखना है या किसी दूसरे में विश्वास करना है? काम तो सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कराएगी यहाँ पर राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के लिए तो आपने आशीर्वाद देकर भेज दिया है निश्चित रूप से। ये दूसरे लोग सिर्फ गुमराह करने के लिए आए, कि गुमराह करने इस झांसे में नहीं आ रहा है। 60 साल जिन लोगों ने झांसे में डाला, जिस तरह से सोशल मीडिया पे गुमराह करने का काम हो रहा है, बस मैं तो आप सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हमारे लिए यहाँ सबसे प्राथमिकता में हमारी पानी की समस्या है उसका समाधान, और हमारे किसानों की समस्या का समाधान, और आने वाले समय में ऑर्गेनिक जोन घोषित कराऊंगा ताकि नेचुरल ऑर्गेनिक यहाँ पर होगा तो हमारी रेटे भी किसानों को 1.5 गुना मिलेगी, कहीं पर दुगनी रेटे मिलेगी फसल की। ये ऑर्गेनिक जोन भी बहुत जल्दी आपके यहाँ पर ये क्षेत्र को घोषित कराएंगे। ऑर्गेनिक जोन है, ऑर्गेनिक होगा तो व्यापारी आएंगे तो रेट डबल देंगे, 3 गुना भी देंगे, ऐसे इस प्रकार के जोन को घोषित करेंगे। तो मैं आप सबसे ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो कहता हूं वो सही कहता हूं, गलत नहीं कहता हूं, कहता हूं ईमानदारी से कहता हूं, और जब तक नहीं होता है तब तक उसके पीछे पड़ा रहता हूं, और बाकी सब आपको तय करना है कि हमारे लिए देश को कौन आगे बढ़ा रहा है।
आज भारत दुनिया का एक नंबर देश होने जा रहा है। आज जो 10वें स्थान पे था वो 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आया है। अगले 3 साल में वो 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा दुनिया के, और आने वाले 2047 में दुनिया का एक नंबर अर्थव्यवस्था में बनेगा। आज हमारे वो सारे सपने पूरे हुए, धारा 370 हो, और जिसका हमें इंतजार था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बने, और वो भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर खड़ा हो गया दर्शन करने के लिए। इसलिए आज अभी रामनवमी आ रही है 17 तारीख को, रामनवमी के दिन बड़े धूमधाम से सारा रामनवमी का जश्न मनाए। भगवान श्री राम का जन्म जहां हुआ वहां भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि जब इतिहास के अंदर कोई लोग आने वाले कल में जब कहेंगे कि सारे हिंदुस्तान के अंदर सभी सनातन के लोग इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, और वो मंदिर जब बना उस समय हम कहां थे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सनातन भगवान श्री राम का मंदिर बना उस समय हम सभी भगवान श्री राम के साथ थे, और आज वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आने वाले 26 तारीख को आप हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बनाए, और आप मुझे आशीर्वाद देकर भेजें, यहाँ से दोनों हाथ खड़े करके मुझे आशीर्वाद दिलाए। धन्यवाद आपको। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमें अपने लिए हमारे इस क्षेत्र को जो पीछे रहा हुआ है, इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप आने वाले 26 तारीख को आप मुझे आशीर्वाद देके भेजें, ताकि मैं आपके इन समस्याओं का समाधान करा के और हमारे देश को विकसित भारत बनाने में हमारा योगदान आप सबका योगदान हो। नहीं तो ऐसा है कि जिस समय विकसित भारत होगा और ये सारे काम होंगे उस समय हम ऐसा नहीं होगी ये सोचे कि क्या चीज क्या हुई। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि मैं आपकी सेवा में हमेशा पहले से भी तत्पर था। मैंने चाहे स्कूल जीवन से लेके आज दिन तक हमेशा सेवा की है, और सेवा मेरी प्राथमिकता है, और सेवा के लिए हमेशा आपके बीच में खड़ा रहूंगा। बस आपका आशीर्वाद मिले, यही बात मुझे कहनी थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना हमारा सम्मान किया, इतना स्वागत किया, जिस तरह से फूलों से और आपने सब पूरे गाँव के अंदर सबने मिलकर जो स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद देकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष